कैमरे में जो ये टर्बाइन के ब्लेड्स है वो काफ़ी छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल में वो इतने बड़े हैं दोस्तों कि दो दो कंटेनर यूज़ करके इनको यहाँ पे लाया गया था। और आप सोच सकते हैं कि इतने माउंटेन के ऊपर लाना इनको काफ़ी मुश्किल हुआ। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे विंड टर्बाइन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे है तो वहाँ दूर पे है और एक उसके आगे थोड़े और चार पाँच है। आप ये साइड में देखोगे तो वहाँ पे भी पूरी लाइन है, पूरा जो पाँच छः वहाँ के जो छोटे छोटे हिल्स है सबके ऊपर वहाँ पे लगे हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की ओर से, हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज जो है अवेलेबल जैसे कि सोलर है, विंड है, इनका यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि एज इट इज़ जो पेट्रोल है और कोल एनर्जी कोल है जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ख़त्म होते जा रहा है, तो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, अंधेरा होने से पहले मुझे अंबाघाट तक पहुँचना है। काफ़ी अच्छी जगह है वो, आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो वैसे भी अभी थोड़ा एक दो घंटे और बाकी है अंधेरा होने में,
तो होपफुली मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा और आपको अच्छा जो नज़ारा है अम्बा घाट का वो दिखा पाऊँगा। If you're watching my channel for the first time, please like, share and subscribe and don't forget to click on the notification tab for the upcoming videos. Thank you. दोस्तों मैं यहाँ पे रोड साइड जो शैक है अम्बा घाट में वहाँ पे आया हूँ। गर्म वहाँ गर्म एक चाय ली है। आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा ही थी, ट्रैफिक भी बहुत था। मेरे ख्याल से अभी थोड़ी अभी शाम होने को आई है तो चाय और जूस के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे मैगी अच्छी मिलती है, सोचा था मैंने ये थोड़ी मैगी भी ले ली, भूख भी लगी। बट आप नज़ारा देखिए पीछे यहाँ पे कितना सुंदर है ये। और हमें अभी वहीं पे जाना है लेकिन देखते हैं, अगर कैसा होता है, होपफुली बारिश नहीं होगी वहाँ पे। हम देख सकते सुंदर नज़ारा एकदम। इसे अम्बा घाट कहते हैं, ये सह्याद्री कोल्हापुर और रत्नागिरी बीच में जो सह्याद्री एरिया है वहाँ पे आता है। मानसून में और जो विंटर्स होते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। वैसे भी अभी समर की छुट्टियाँ भी शुरू हुई है तो उसके लिए भी काफ़ी भीड़ है लोगों की। यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है, आपने वीडियो में देखा होगा कितनी ट्रैफिक जाम थी कोल्हापुर और रत्नागिरी रोड पर। चाय काफ़ी अच्छी है, पसंद है ये टाइम दोस्तों। ये एरिया मानसून में एक नंबर होता है, यहाँ का जो नज़ारा होता है सीनरी होता है काफ़ी अप्रतिम होता है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से रोड सारे ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि रोड पे पानी पूरा जम जाता है। पिछले साल आपने देखा होगा कि चिपरुन साइड में कितनी बारिश हुई थी और महापुर वहाँ पे आया था। तो अगर आप आना चाहो तो सितंबर काफ़ी अच्छा महीना होगा क्योंकि बारिश तब कम हो जाती है, या फिर विंटर में भी आप आ सकते हो, लेकिन आपको जो मानसून का मज़ा है वो नहीं दिखना मिलेगा। यहाँ से 18 किलोमीटर पे मार्लेश्वर एक वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर है, भगवान शंकर का मंदिर है वहाँ पे। तो आप गूगल भी कर सकते हो मार्लेश्वर। और यहीं से 10 किलोमीटर दूर और एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है जिसे पावन पिंड कहते हैं, जो इसका नाम बाजी प्रभु देशपांडे जो शहीद हुए थे मुगलों से लड़ते हुए, तो वो यहीं से जो एक भुटखिंड है वहाँ पे शहीद हुए और उसका नाम पावन खिंड रख दिया। तो वो भी एक अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग वहाँ पे जो घूमने जो ट्रिब्यूट पे करने के लिए आते हैं, तो आप वो भी यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, खूबसूरत नज़ारा है। लगता है जब हम नीचे जाएंगे तो हमें बारिश लग सकती है। ये देखिए अभी भी काफ़ी सारे बादल छाए हुए हैं, हो सकता है हम अंधेरा होने से पहले नीचे चले जाएंगे। Thank you.
ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से अंदर कुछ नहीं मिलने वाला, सीधे फार्म पे जाना होगा 10-15 किलोमीटर दूर। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ शॉप्स दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा सा चाइनीज़ का भी वहाँ पे स्टॉल है, तो देखते हैं आज के दिन कुछ मिलता है कि नहीं। यूजुअली मैं इतनी रात में आता नहीं हूँ, ये फर्स्ट टाइम है मेरा इतनी रात में आने का, थोड़ा लेट हो चुका हूँ अभी, और फार्म में जाके कुछ बना भी नहीं सकते, तो होपफुली रात के खाने के लिए कुछ मिलेगा, तो फिर देखते हैं। और आगे जाके बहुत अंधेरा भी है, होपफुली जो टर्न है अंदर जाके वो मिस नहीं होगा, तो चलो देखते हैं क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैं मेरे फार्म हाउस पहुँच गया हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी था, एकदम मेमोरेबल, ट्रैफिक भी बहुत था बीच में, मुझे लगा ऐसा कि मैं रास्ता भूल गया हूँ क्योंकि अंधेरा भी इतना था और लेट भी हो चुके हैं हम, अभी रात के 9, 9:30 बजे। और फिर फाइनली मतलब ढूंढते हुए यहाँ पे पहुँच गया हूँ, तो कल मैं आपको मेरा फार्म कैसा है वो दिखा देता हूँ, शायद उसे अगले एपिसोड में ऐड कर दूँगा, अगले पार्ट में ऐड कर दूँगा। तो अभी ये पार्ट के लिए इतना ही कुछ, देखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक देखते रहिएगा, पी कीप ट्रूवेल, बाय बाय। इफ़ यू वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन टैब फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू। काफ़ी थोड़ा दूर है लेकिन फिर भी थोड़ा सा वाटर ब्रेक करने के लिए, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक विंड टर्बाइन है जो कि विंड से हम लोग जो पेट्रोल है। अरे कूड़े गए ना।